हेलो बच्चा लोगो, कैसे हो? बढ़िया। यस, चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सीटीएम, अहमदाबाद। ठीक है, आज भाई 11th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फिजिक्स में चैप्टर 3 जो अपना चल रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ मैं। भाई जिन बच्चों ने पार्ट 1 2 नहीं देखा है पहले, प्लीज़ 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 पार्ट 1 और 2 देखिए, तो बहुत मजा आएगा पार्ट 3 समझने में। आज पार्ट 3 में बहुत हट के, थोड़ा मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे हटके थोड़े सम्स लेने वाला हूँ, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें करने वाला हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। पार्ट 2 में हमने बातें की थी कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो सर सिंपल ऐसे ही बोल देता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या था? सब क्लियर है? हाँ, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। पार्ट 2 जिसने देखा है वही प्लीज पार्ट 3 में आइएगा, वरना जिम्मेवारी हमारी नहीं है, जिम्मेवारी आपकी है। नहीं समझ में आया तो ठीक है, तो पार्ट 2 जरा देखिएगा। पार्ट 2 में मैंने बहुत तगड़ा वाला डिस्कशन किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। व्हाट इज डिस्टेंस? सर डिस्टेंस एक्चुअली में पाथ कवर बाय दी पाथ लेंथ पाथ कवर बाय दी पार्टिकल एंड ऑब्जेक्ट, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन चाहिए। ये सारी बातें हो चुकी है, सारी बातें हो चुकी है। पार्ट 2 देखिएगा, फिर पार्ट 3 में आइएगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमारा ये डिस्कशन हुआ था, एक पार्टिकल 4 मीटर इधर गया और 3 मीटर इधर गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? तो सर 4 और 3 7 मीटर है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इनिशियल ये था और फाइनल ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने। ये डिस्प्लेसमेंट कितना? बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम 5 मीटर होगा कि नहीं होगा? समझ लाए कि ना? समझता है? हाँ समझता है सर, ठीक है ठीक है ठीक। बहुत सारे अलग अलग हमने टॉपिक पे डिस्कशन किया था, जैसे कि ये 3 0 है, ये 0 4 है, तो अब ये डिस्टेंस कितना है? तो सर हमने 10वीं के हिसाब से जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हमने ये सम किया था। पार्ट 2 देखिए दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज। पार्ट 1 में तो पूरा मोशन क्या होता है, व्हाट इज काइनेमेटिक, व्हाट इज मैकेनिक्स, ये सब समझाया था। पार्ट 2 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, है ना? और आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग सम्स करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग सम्स देखने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा। सुहारा सफर और ये मौसम हसी। चलिए, तो दोस्तों आज के कॉन्सेप्ट में मेरी बात ये है, मैं आज डायरेक्शन वाले सम्स लेने वाला हूं। सर डायरेक्शन वाले सम्स क्या होते हैं? तो वही तो समझाने आया हूं। दो देख दोस्त, फिजिक्स में जो डायरेक्शन की तू बात करता है, तो डायरेक्शन बहुत टाइप से लेते हैं, ये तो अभी इतना समझ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन हुआ। लेकिन यदि तेरे को कॉलेज तक की बात कर रहा हूँ, कॉलेज लाइफ टाइम तक दोस्त तुझे डायरेक्शन वाले सम्स करने हो ना, तो पहले कंफ्यूजन दूर करके डायरेक्शन कहाँ पे लूँ, तो मैं समझाता हूँ आज तुझे। देख दोस्त, हमेशा तुझे क्या करना होता है, तू जो ऐसे खड़ा है ना, सम्स के लिए बात कर रहा हूँ, सम करेगा उसके लिए बात कर रहा हूँ, तू ऐसे खड़ा है ना, तो ये जो तेरा नाक है ना, उसका ये वाला जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ हो गया, तो पीछे वाला क्या हो गया? साउथ हो गया। सर समझ में आ रहा है? बस तू ऐसे खड़ा है ना, तो ये नॉर्थ मान ले इसको, तो पीछे वाले को साउथ मान ले, सिंपल। ऐसे खड़ा है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सम के लिए, सम करने तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा ट्रिक लाया हूं, चला जा। नॉर्थ साउथ, तो ये जो राइट हैंड है ना वो तेरा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है? ऐसे खड़ा है तो ये नॉर्थ, पीछे साउथ, ईस्ट कौन सा लेगा? ये राइट हैंड है ना वो ईस्ट और लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट। चल ऐसे खड़ा है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, पक्की बात। तो ऐसे दोस्तों आपको सम्स करने हैं, तो मैं एक तगड़ा वाला सम लेता हूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। डायरेक्शंस की बातें हो रही हैं, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। चलिए चलिए चलिए, ए पर्सन मूव्स
3 meter in north and then moves 4 meter in east. So find distance and displacement covered by the man or a person. ठीक है ठीक है ठीक है सर. देखो पार्टिकल मूव कर रहा है 3 meter नॉर्थ में 4 meter ईस्ट में, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. बहुत इजी सम लेने वाला हूँ दोस्त, बहुत इजी. चला जा 3 meter नॉर्थ में, 3 meter नॉर्थ में गया, ये नॉर्थ में 3 meter, देन मूव्स 4 meter इन ईस्ट. तो नॉर्थ में जा रहा है तो ईस्ट के लिए कहाँ मुड़ेगा, इधर राइट हैंड पे बोला था इधर मुड़, तो ये रहा ईस्ट, कितना 4 meter. बोल ठीक है ठीक है ठीक है सर. वेरी गुड वेरी गुड सर, समझ में आ रहा है. बोल कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया उसने, डिस्टेंस बोल जा, मान जाऊं तेरे को. सर 7 meter, क्या बात करते हो छोटे बच्चे जैसी, 7 meter. अब डिस्प्लेसमेंट बोल. हाँ ये तगड़ा है सर, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा. पार्ट टू देखा होगा ना, तो ऐसे सम्स मैंने चलाए थे, डायरेक्शन वाली बात नहीं की थी, लेकिन पाइथागोरस लगेगा इसमें तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 meter आ जाएगा. बोल कितना इजी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना 5 meter बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं. चल एक और सम लूँ मैं, एक तगड़ा वाला सम लेता हूँ मैं, रुक जाएगा. A person moves 5 kilometer in north direction and then turn to the move 4 kilometer, move 4 kilometer. बड़ा लिखूं, बच्चों को नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुकिएगा बच्चा. ऐसे तो बोलते जा रहा हूं तो कोई इश्यू नहीं आएगा. अ पर्सन मूव्स बराबर अभी 5 kilometer इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड फोर किलोमीटर इन ईस्ट. आफ्टर दैट he moves 2 kilometer in south. So finally find distance and displacement. कैसा लिया है सम बोल तगड़ा. A person moves 5 kilometer in north, then after 4 kilometer in east and 2 kilometer in south. ये डायरेक्शंस हैं तेरे, ये डायरेक्शंस हैं. ठीक है चला जा 5 kilometer नॉर्थ में. चल भाई ठीक है, 5 kilometer नॉर्थ में हो गया नॉर्थ. ठीक है फिर 4 kilometer इन ईस्ट किस तरफ मुड़ेगा, 4 kilometer इन ईस्ट इस तरफ मुड़ेगा. और उसके बाद वो कहां मुड़ता है, 2 kilometer इन साउथ. नॉर्थ ऐसे लिया तूने, एक्चुअली बोर्ड पे ऐसे लिया है, नॉर्थ ऐसे लिया मैंने. ठीक है तो तू इस तरफ बैठा है ना, तो ऐसे क्या होगा, नॉर्थ ऐसे ही लूंगा ना मैं. हाँ लेकिन बोर्ड पे तो ऐसे ही शो कर पाऊंगा मैं. हाँ नॉर्थ, फिर उसके बाद ईस्ट, फिर क्या है 2 kilometer इन साउथ. साउथ मतलब चेन्नई नहीं जाना उसके लिए, 2 kilometer. डन है या नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं है. यहाँ से निकला था ए बी, यहाँ पे टर्न लिया सी और ये डी है. ठीक है बोल डिस्टेंस क्या आएगा. सर डिस्टेंस तो 5, 4, 4, 9 और 11 kilometer आ गया है. तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपने आप सम करना, मैं डायरेक्ट आपका आंसर समझाता हूँ. सर ये रहा डिस्प्लेसमेंट,
बोल है कि नहीं है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड कैसे करना है सर, यहाँ पे तो पाइथागोरस भी नहीं लग रहा है, तो मैं समझाता हूँ तुझे। देख मैं एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ, टक 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 टक, रेफरेंस लाइन लिया है दोस्तों, ये 4 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, वेरी गुड वेरी गुड सर। ये 2 किलोमीटर है, तो ये कितना हुआ? 2 किलोमीटर। अच्छा टोटल कितना था? 5 किलोमीटर, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया सर? 3 किलोमीटर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इतना माइंड सेट करके आपको सम करना पड़ता है दोस्त, है ना। हाँ पूरा 5 किलोमीटर था, लेकिन सामने देखा कि ये 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर, तो ये कितना बच गया? 3 किलोमीटर। अब बोल क्या, तो ये फाइंड नहीं कर पाएगा? यस सर ऑब्वियसली। कैसे? 4 और 3 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? 5 किलोमीटर आंसर आएगा। हाँ ये पॉइंट को नाम ई दे देना, तो ऐसे लिख सकता है, 2 मार्क्स में पूछे ना एग्जाम में। तो हियर बी सी इज 4 किलोमीटर, सो ई डी इज 4 किलोमीटर, हियर सी डी इज 2 किलोमीटर, सो बी इज 2 किलोमीटर, देन ए ई इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, फिर यूजिंग पाइथागोरस ये वो लिख देना, ठीक है? आंसर है कि नहीं है? तो ऐसे आपके क्वेश्चन तो इससे भी बहुत तगड़े टफ सम आते हैं, लेकिन आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए जरूरत नहीं है, और हो तो मुझे आप बोलिएगा और प्रॉब्लम्स भेजिएगा, तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? अब दोस्तों जो नया वाला टॉपिक है, मैं एक बॉर्ड रफ कर लेता हूँ, तगड़ा टॉपिक ले रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डायरेक्शन वाला क्लियर है? कोई बात सर, क्लियर है क्लियर है। चलिए ठीक है, बॉर्ड रफ कर लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए। हो चुका है ये मेरा सर, ये क्या बनाया है सर? गोला नहीं रे, रुक ठीक है चल। मैंने एक मतलब सर्कुलर पाथ बनाया है, सर्कल वाला पाथ बनाया है, जिसका रेडियस आर है, ठीक है? हाँ, एक सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ऐसे देखने के लिए, ठीक है? अब मैं ये बोल रहा हूँ, शांति से सुनना। मान लो कोई बंदा, कोई पर्सन यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से यहाँ पर गया, तो उसने कितना एंगल बनाया सर? π/2। π/2 मतलब 90, ये 90 होता है ना ये वाला, हाँ 90 डिग्री होता है, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो π/180 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो π/2 रेडियन में हो गया, ठीक है? ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिख, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब पर्सन ए से सी तक पहुँच गया, तो और सर π/2 डिस्टेंस, और π/2 एंगल बनाया, और सर ए से डी पर आया, तो और π/2, और फिर ए से वापस ए पर आया, तो और π/2, मतलब एक चक्कर लगाया, 1 revolution is equals to कितना एंगल बनाया सर? 2π एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया? 2π जितना, एक रिवॉल्यूशन में 2π जितना एंगल बनाया है। बोल कोई तकलीफ है क्या? नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिवॉल्यूशन एक, एंगल कितना? 360 या 2π, आपको जो लिखना हो। हाँ 90 90 90 90, तो हो गया ना 360, या तो 2π आप जो लिख सकते हो। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना रहा है? 2π एंगल बना रहा है। अब मैं तुझे बोलूँ कि 10 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो into 10 कर देने का तो तुझे एंगल मिल जाएगा, ऐसे पूछे तो एग्जाम में, है ना? 3.5 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 3.5 चक्कर मार रहा है, तो एक चक्कर में 2π एंगल, तो 3.5 चक्कर में कितना? सिंपल है कि नहीं है? चल ठीक है, अब मेन बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे एंगल क्या बना था? एंगल को थीटा बोल देता हूँ। यहाँ पे एंगल क्या बना था सर? π/2। यहाँ पे एंगल क्या बना था? π/2 π/2 π। यहाँ पे एंगल क्या बना था सर? 3π/2 π/2 π/2 π/2, कितना हुआ? 3 बार π/2, और यहाँ पे क्या हुआ? 2π, ठीक है? एंगल कितना बन गया? 2π। सारे एंगल्स क्लियर हैं आपको? ठीक है, ये कैसा, ये समझ में आया आपको? हाँ सर क्लियर है क्लियर है सर, कोई इशू नहीं है आपसे, हमको कोई शिकायत भी नहीं है, ठीक है ठीक है। और दोस्तों एग्जैक्टली ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा। अब मैं सिंपल सी भाषा में बात करूंगा आपसे, सिंपल सी भाषा में बात करने वाला हूँ, ना मारवाड़ी में ना मराठी में ना किसी ने, सिंपल भाषा में बात करने वाला हूँ। अब कोई बंदा ए से बी जाए, ए से सी जाए, या ए से डी जाए, ए से ए आए, ये 4 स्टेप में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो मुझे जानना है, तो आराम से, कोई इशू नहीं है। पहला मेरा टॉपिक है ए टू बी, ये फिनिश्ड होगा, उसके बाद लूंगा ए टू
सी, फिर लूंगा ए टू डी, ए टू ए। हाँ ठीक, एक मिनट रुक जा भाई यार, ओ कैमरा मैन शांति रखो ना यार, क्या डिस्टर्ब हो रहा है बच्चों को। ए टू बी चलिए आ जाइए, ठीक है ठीक है। ए टू बी में एंगल कितना बन रहा है, पाई बाई टू एंगल बन रहा है इतना। पार्टिकल ए से बी दौड़ रहा है टक 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 टन 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 टन, ठीक है। फिर बी से सी दौड़ेगा, फिर सी से डी दौड़ेगा, फिर ए से ए पर आएगा। तो तुझे नहीं लगता दोस्त, सुनना लॉजिक वाली बात कर रहा हूं, ए से जब ए पर आता है तो पूरा एक आर्क बनता है, ये पूरा सर्कमफेरेंस बन रहा है, और सर्कमफेरेंस मतलब क्या, एक बड़ा वाला आर्क, बड़ा वाला आर्क है कि नहीं है, बड़ा वाला आर्क ये है। और आर्क का आज को मैं लाइफ टाइम फॉर्मूला दे रहा हूं, याद रखना, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, रेडियस। अब सोच ए से ए पूरा एक रिवॉल्यूशन किया उसने, पूरा एक रिवॉल्व हुआ, पूरा एक राउंड मारा, उसमें कितना एंगल बनाया था उसने, सर 2 पाई एंगल बनाया था, और कितने रेडियस से घुमा था, आर रेडियस से घुमा था। तो बोलो ए से ए जो कवर किया उसने, उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया, या तो सर्कमफेरेंस जो बोलो आप, कितना हुआ 2 पाई आर। ये बहुत बहुत तगड़ी वाली बात है दोस्तों, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, वार्ता पूरी। इतने में सब कुछ आ गया, याद कर लेना, एंगल इनटू रेडियस, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस। हाँ बहुत सारे सम्स ऐसे, बहुत सारी बुक्स है उसमें से लिखा है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, वही बात है, रहे ना, चला जा। तो देख, तो बाजू में एक और खाना बना देता हूँ, आ जा भाई आ जा। एक रिवॉल्यूशन होता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है, 2 पाई आर। बोल डन, ये लाइफ टाइम बात याद रखना तू, एक रिवॉल्यूशन में 360 एंगल या तो 2 पाई एंगल और 2 पाई आर डिस्टेंस होता है, चला जा। अब मैं ए से बी में डिस्टेंस की बातें करने वाला हूं। ए से बी पार्टिकल दौड़ रहा है, एक छोटा सा आर्क बन रहा है, देखिए तो जरा, हाँ रेड रेड किया है वो आर्क बन रहा है, ठीक है ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब वही ए से बी वाला आर्क क्या आएगा, एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस, एंगल कितना बन रहा है, यहां से यहां तक का ही एंगल कितना कवर हो रहा है, सर पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू रेडियस है यार। तो हो गया ए से बी का डिस्टेंस, मजे कर दू, हा यस 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 यस, चला जा। ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है तुझे, तो एंगल इनटू रेडियस, ए से सी जा रहा है तू, और ए से बी, और टक 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 टन 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 टन, ए से सी पहुंच गया तू, कितना एंगल कवर किया उसने, सर ये पाई बाई टू और ये पाई बाई टू, यहां तक पहुंचा ना, इतना इतना मतलब पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, कितना एंगल बन रहा है, पाई पाई, और रेडियस तो आर है, चल मजे कर भाई, डिस्टेंस रेडी दे रहा है कि नहीं। ए से डी, थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, ए से डी पहुंचा हूं, फिर पहुंचूंगा ए से ए, ठीक है चला जा। ए से डी जा रहा है तो चल आगे बढ़, टन 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 टन, ए से डी कितना एंगल बनाया सर, सर पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, कितना आया डी पर, 3 पाई बाई टू। सो अब बोल, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू एंगल है और आर रेडियस है, हो गया, हो गया सर, बहुत इजी बातें बोल रहा हूँ मैं, बहुत इजी बातें बोल रहा हूँ, आपको समझ में आया सर। ए से ए गया, चल भाई ए से वापस ए पर आने दे, ओ मैं निकला हो गड्डी लेके और रास्ते पे सड़क पर एक मोड़ आया, 2 पाई और रेडियस आर है, 2 पाई एंगल, एंगल इनटू रेडियस ही होता है ना, और आर रेडियस है, इसलिए तो बोल रहा था रे 2 पाई आर, एक चक्कर पूरा होगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस हो जाएगा। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लाइफ टाइम का फॉर्मूला है दोस्तों, एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस, ये बहुत इजी पढ़ने वाला है तुझे, ठीक है। अब इसी में दोस्तों डिस्टेंस का मेरे पास कुछ और तिकड़म है,
मैं और आपको अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ, ये सबसे बेटर ट्रिक है, आर्क इनटू रेडियस मतलब सबसे बेटर ट्रिक है, लेकिन फिर भी और आपको मान लो और नॉलेज चाहिए तो जो ये पूरा रिवॉल्यूशन है, जो पूरा सर्कल है, 2πr डिस्टेंस है जो पूरा, उसको मैंने चार भाग में डिवाइड कर दिया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हाँ या ना बोल? चल हाँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं डिस्टेंस और अलग हिसाब से मैं फाइंड करवा सकता हूँ आपको। चलिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हाँ ऐसे सिंपल है, एंगल इनटू रेडियस बराबर है, लेकिन और नई रीत से, टोटल कितना है डिस्टेंस? सर 2πr। कितने उसके मैंने कितने पार्ट कर दिए? सर 4 पार्ट किए। 2πr टोटल डिस्टेंस है सर्कल का और मैंने 4 पार्ट कर दिए। चल ए से बी गया मतलब कितने पार्ट मैंने कवर कर दिए? सर मैंने एक पार्ट कवर किया, तो एक लिख 2/2 आंसर πr/2 और सर सेम आंसर आ रहा है। तो फिर अब तुझे जो इजी ट्रिक पड़ता है उससे करना, वो तेरा लुकआउट है, ठीक है? चला जा भाई, नया डिस्टेंस चला जा। 2πr तो टोटल डिस्टेंस है जिसके मैंने 4 पार्ट कर दिए हैं। अब ए से सी जाऊंगा तो कितने पार्ट कवर होंगे चार में से? सर एक और दो पार्ट कवर हो जाएंगे, तो 2/2 गया πr। और रे 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 सर जोरदार, सर क्या बात कर रहे हो यार। ए से डी पर पहुंचता हूं तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा हूं? 2πr के जो चार मैंने पार्ट किए हैं उसमें से तीसरा पार्ट भी कवर हो गया। कट 3πr/2, क्या बात है सर, क्या बात है, वेरी नाइस सर, गजब 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 आ रहा है ना। और इसमें डिस्टेंस जो 2πr है जिसके मैंने चार पोर्शन किए हैं उसमें से वापस ए पे आ रहा हूं, मतलब चारों चार पोर्शन मैं कवर कर रहा हूं, तो 4 गॉन 2πr है कि नहीं? तो तुझे ठीक लगे इस हिसाब से जो तेरे को करना उस हिसाब से करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोल, डन है क्या सर? ये सर्कल की तो तुमने पथारी घुमा दी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सर्कल की तो पथारी घुमा रहे हो सर। चलिए ठीक है, वापस हो गया रेडी सर्कल। ठीक, चला जा। अब बोल रहा है मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो चल, 2 मिनट का काम है मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तगड़ा सा ना, डिस्प्लेसमेंट वाला माथाकुट वाला है, थोड़ा देख लेना। आर है, ए आर है, सारे के सारे रेडियस आर है। ठीक है सर, ओके। ये ओरिजिन है तो इसको ओ नाम दे देता हूँ। देख दो, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, ये डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी ऐसा नहीं होता है, हमारी बात हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट तो सीधा होता है, मतलब जैसे यहाँ से निकला, ये घूम के आया, तेरे को मतलब ही नहीं है, तेरे को तो इससे मतलब है ना? तो फाइनल और इनिशियल से मतलब है तुझे। तो ए से बी जा रहा हूं, मतलब देख, ए से बी गया मतलब मैंने ये कवर किया है, ये मैटर है मेरा। बोल हाँ या ना? हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो गया? सर ये आर है, ये आर है, तो ये क्या हो गया? पाइथागोरस से √2r। बोलो सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर जल्द से करना, तुम्हें बैठा हूं ना, टेंशन वाली बात नहीं लेने की कोई। डिस्प्लेसमेंट, चल ए से सी में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से गया सी पे, यहाँ पे आके रुका, यहाँ से निकला था। बोल भाई, यहाँ से निकला था, यहाँ पे आके रुका, ये रहा। हाँ सर, तो ये आर था और ये आर है, तो टोटल कितना हो गया? 2r। बोलो भाई, समझ में आ रहा? ठीक। चल भाई, डिस्प्लेसमेंट ए से डी में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से डी यहाँ पे आके रुका है, निकला था कहाँ से? यहाँ से, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बोल हाँ या ना? ये आर है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा? √2r। कितना इजी बातें हो रही है सर, कितनी इजीली बातें कर रहे हैं हम। चलो, इस लास्ट पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट का क्या है?
ए से ए घूम के वापस आ गया अपनी जगह पे, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट। बोल है कि नहीं, पूरा क्लियर बातें हैं कि नहीं है? चल दो मिनट बॉर्डर ऑफ कर देता हूँ और इसका सम तुझे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। चल एक मिनट ये सम लिख ले प्रैक्टिस में, करके देखना तगड़ा वाला सम है। पी क्यू आर एस पूरा फाइंड करना, ये दो मीटर में रेडियस दे रहा हूँ तुझे, ठीक है? ए से क्यू जाना, अरे पी से क्यू जाना, पी से आर जाना, पी से एस जाना और पी से पी, यही वाली मेथड पूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, ठीक है? पक्का? चल दो मिनट बॉर्डर ऑफ कर लेता हूँ, फिर नए सम्स लेता हूँ, ठीक? चल हो चुका है और डान टन टन, छोटे छोटे सम्स, एक एक मार्क्स वाले सम पूछते हैं। भाई बोलता है पार्टिकल ए से बी गया, 5 मीटर रेडियस है, तो बोलता है कि डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस कितना? अरे यार सर, सेमी सर्कल बन रहा है, आधा सर्कल, याद है कुछ? आधा सर्कल बनता है सेमी सर्कल, तो पाई बाई टू, पाई बाई टू, टोटल कितना एंगल बन जाता है? पाई, सेमी सर्कल हो तो, है ना? तो देखिए हो गया ना, तो बात तो क्लियर है। एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, है ना? सो मतलब 5 पाई मीटर तेरा आंसर है। बोल डन है? कुछ भी रे, ऐसा ऐसा भी तुझे एग्जाम में दे सकते हैं। ए से बी बोलते हैं 10 मीटर रेडियस है, चल बोल क्या आएगा डिस्टेंस, क्या आएगा बोल? सर बराबर है, एंगल होगा पाई, रेडियस होगा 10, तो 10 पाई मीटर आंसर। सिंपल, ऐसी छोटी छोटी बातें होने वाली है। अच्छा दूसरा ऐसा पूछ सकते हैं तुझे, देख बोल रहा हूँ, एक बोल दिया पार्टिकल पी क्यू आर एस, है ना? पार्टिकल बोल रहा 3 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? 3 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस, 4 पाई आर, 6 पाई आर, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट तो 0, क्योंकि वहीं पे वापस आने वाला है वो, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे सम्स आपको पूछ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इससे भी टफ सम है दोस्तों, ये समझो स्कूल से एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन है, JEE नीट का जब मेरा लेक्चर, अब तो सोच इसमें ऐसा ऐसा तगड़े वाले सम्स ले रहा हूं, तो JEE नीट का जो मेरा लेक्चर होगा, HC वर्मा तो है ही, वो तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ही होंगे। अब और मतलब बहुत बार के सम्स हैं, और मैं पूरा JEE नीट का बस विद इन शॉर्ट टाइम मैं शूट करने वाला हूँ और आपको पहुँचता करूँगा JEE नीट का लेक्चर, ठीक है? ये Chapter 3 है ना दोस्तों, नीट के लिए, मतलब नीट वाले बच्चों के लिए उतना काम का है, वो JEE और JEE मेन और एडवांस वाले बच्चों के लिए बहुत काम का है, जो मोशंस के सारे चैप्टर्स हैं, Chapter 3, 4 है मोशन इन अ प्लेन, 5th है लॉ ऑफ द मोशन, ये वाले आपके लिए बहुत उपयोगी चैप्टर हैं JEE एडवांस तक के लिए, तो प्लीज़ देखिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना? चल एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर हम वीडियोस फिनिश करते हैं। ये कैसा रहा आपको, समझ में आया बेटा सर? पक्की बात? पक्की बात सर, डन 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 डन, ओके। चल एक मिनट रुक जा। अब मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट लेके फिर हम वीडियो फिनिश करते हैं। मैं एक क्लॉक बनाने वाला हूं 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11, ठीक है? और ये मैं मिनट हैंड बना रहा हूं, घड़ी का मिनट का जो कांटा होता है मिनट हैंड, वो बना रहा हूं, ठीक है? ठीक है सर, ये जो मिनट हैंड है, ठीक है, मुझे बताइए घड़ी में मिनट हैंड है, मिनट का है, तो 60 मिनट में कितना घूमेगा? सर 60 मिनट एक कंप्लीट 12 पे से 12 पे वापस गया, 12 से निकला 12 पे वापस गया, तो 60 मिनट हुआ, तो 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन, या तो ऐसा लिख सकते, हाँ ऐसा लिखना, चल 60 मिनट इज इक्वल्स टू 2 पाई एंगल, सही बोल दे यार, सही बोल दे,
एक रिवॉल्यूशन मतलब 60 मिनट हुआ, और 60 मिनट मतलब कितना एंगल, सही बोलना यार, 2 पाई एंगल सर, या तो तुम डिग्री में बोलो तो 360 एंगल, सही बोल दे यार, चल है ना, हाँ ठीक है चल। अब 60 मिनट में 2 पाई एंगल, तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस, 2 पाई आर डिस्टेंस, बोल समझ में आ रहा कि जा रहा सर, आ रहा। तो इसमें कैसे सम्स आपको पूछते हैं, मैं आपको बताता हूं, चल ठीक, 60 मिनट में 2 पाई एंगल है, ठीक है, 60 मिनट में 2 पाई एंगल, और 60 मिनट में 2 पाई आर डिस्टेंस है, एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। चल जैसे कि एक सम पूछता हूं, एक मिनट हैंड है जो 12 पे है, वो 2 पे आ रहा है, और 10 मीटर लेंथ है मिनट हैंड का, 12 से 2 पे आ रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा और उसने कितना एंगल बनाया होगा, वो फाइंड करना हो तो। अरे सर सिंपल, 60 मिनट में 2 पाई एंगल बना रहा, 60 मिनट में 2 पाई एंगल बनाता है, तो फिर ये कितना मिनट हुआ, 12 से 2 पे आया मतलब, तो 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई इंटू 10 बाय 60, कट 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 कट, पाई बाय 3 एंगल, रेडियन है, बोल कितना इजी है कि नहीं। मान लो मुझे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 60 मिनट में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होता है, तो 10 मिनट में कितना, 160 कट कट, 2 3 जा पाई बाय 3 इंटू आर, पाई बाय 3, आर कितना है, आर मतलब रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस, पर रेडियस का काम कौन कर रहा है, लेंथ कर रहा है मिनट हैंड का, मतलब 10, तो 10 पाई बाय 3, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो कितने इजी सम्स हैं दोस्तों, घड़ी वाले बोलो, है ना, इतना इतना लॉजिकल सम्स होता है, लेकिन उसको एक बार आपको मुझे बताना तो पड़ेगा ना कैसे सम्स होते भी है लाइफ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए एक मैंने अच्छा एक क्वेश्चन देखा था, एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, एंगल पाई बाई 3 180 अने 60 12 6 तो 3 ऊपर आवे तो थी जाए 15 मिनट में, एक मिनट रुक जाए, अच्छा सम बना रहा हूँ, 2 पाई इंटू 15 बाय पाई बाई 3 ना, हाँ तो हो गया ना 10, चला जा, ओके 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 रे छोटू सो मेरो मदन गोबा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा 12 से 2, ठीक है, ये 60 का एंगल बनाया है, ये 10 है और ये 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, सर ये तो डिस्टेंस था हूँ बिल्कुल नहीं चलेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, 60 का एंगल है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये 10 10 है, तो फिर ये कितना, 10वीं पढ़ चुके हो देख लेना आपके हिसाब से, ठीक है, तो इस हिसाब से आप डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो। बहुत इतने सारे टफ्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पूछे तो मैंने आपको चला दिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्द से कर। दूसरा मैंने आपको कहा कि JEE और नीट का कॉन्सेप्ट जब चलेगा तब आपको बहुत ईजी पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना मतलब लॉजिक क्लियर हो चुका है कि डिस्प्लेसमेंट खाली वो सीधी लाइन पे, सर पार्टिकल 50 पे है और 150 पे का यार डिस्टेंस, बोल भाई 100 पूरा, ऐसा नहीं होता है दोस्त, ठीक है ना। बाकी जो अभी कुछ मुझे लग रहे हैं, कुछ सम्स ऐसे हैं JEE नीट में भी, और कुछ सम्स मतलब रेगुलर सम्स भी ऐसे होते हैं जिसमें कुछ थोड़े लॉजिक की जरूरत होती है बच्चों को, सारे सम्स मुझे मतलब करवाने नहीं होते, सारा सम्स करवाने बैठूंगा तो वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, जैसे कि 10 पार्ट भेजते हैं उसके यहाँ पे 20 पार्ट भेजने पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा ये बुक में नहीं है दोस्त, आपका जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है ये वो सब उसमें नहीं है,
तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आज के कॉन्सेप्ट से आपको कितना मजा आया? सर दासू जोरदार, ये वो जो आपको लिखना हो लिख के भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो थोड़ा उत्साह बढ़ेगा हमारा कि क्या बात है यार, इतना मेहनत करते दोस्त, ये सब रिसर्च करके लाना पड़ता है, हमको सब आता होता है ज़्यादातर, समझिए बात को भाई, नोबडी कैन बी अ मास्टर ऑफ फिजिक्स, हाँ ये ध्यान रखना। लेकिन क्या होता है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है ना, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को कौन सी चॉकलेट देनी है वो तो मैं रेडी रखूँ ना, 10 दे दूंगा उसको क्या, ऐसा फिजिक्स में मेरे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे सम्स हैं, बहुत सारे, लेकिन JEE एडवांस लेवल के सम इस लेक्चर में मुझे कुछ काम के नहीं है, तो सम्स ढूंढ ढूंढ के आपको क्या काम के सम्स है वो ढूंढ ढूंढ के हम लाते हैं, ठीक है। बाकी आराध्य का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में प्लीज़ आपकी बार लिखना कुछ यार, बच्चे लिखते नहीं, आलसू बहुत है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं लिख रहे कमेंट में कुछ, कमेंट बॉक्स थोड़ा भरे यार, और हमको जोश आए कि नहीं यार चल बच्चे देख तो रहे हैं वीडियो और अच्छा वाला लग भी रहा है उनको, ठीक है, ये घड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, फिर वो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट है, ये कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।